चलिए अब पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का ये भी नियम है, ठीक है। तो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग प्रभाविता का नियम पढ़े और पृथक्करण का नियम पढ़े। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये क्या है, ठीक है। तो मेंडल कहता है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षण के युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रभाविता के नियम में, हम लोग पढ़े थे कि अगर अलग अलग जीन वाले पौधे को लेते हैं तो उसमें एक जो प्रभावी जीन होता है वे अप्रभावी जीन के प्रभाव को दबा देता है और अपना प्रभाव स्थापित कर देता है। और इसके बाद तुरंत हम पृथक्करण का नियम पढ़े और पृथक्करण के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो संकर नस्ल वाले पौधे होते हैं उसमें दोनों जीन साथ साथ रहते हैं और लेकिन वे दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, अशुद्ध नहीं करते हैं और अगली पीढ़ी में वे दोनों शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं, जिसको पृथक्करण का नियम हम लोग कहते हैं। और अभी जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कैसे कोई अगर है ना लैम मतलब टेल प्लांट है ना मटर का पौधा है जिसका जो कि लंबा है और इसका ठीक है और जिसका कि फूल है वाइट फ्लावर, ठीक ठीक देखना है। टेल प्लांट रेड फ्लावर का क्रॉस कराए ड्वार्फ प्लांट और वाइट फ्लावर वाला से, ठीक है। तो टेल प्लांट इसका जीन डबल टी और चूंकि रेड फ्लावर है तो डबल आर लिख दिए और ड्वार्फ प्लांट है तो इसका स्मॉल टी और स्मॉल डबल आर, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इसमें म्यूसिस की क्रिया हुई तो इसमें जो है म्यूसिस की क्रिया जब होती है तो क्या हो जाता है कि एक टी वाले इस आर के साथ चलाता है, ठीक, और ये टी वाले इस आर के साथ चलाएगा, ठीक है। और इसमें भी म्यूसिस यहाँ हम लिख सकते हैं म्यूसिस की क्रिया हुई है, म्यूसिस माइटोसिस ये सब हम बता दिए हैं, ठीक ना, म्यूसिस की क्रिया हुई। तो इसमें जो है ये टी इस आर के साथ और ये टी इस आर के साथ हो गया। और अब जब क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के बाद ठीक है ये इसके साथ क्रॉस हुआ और ये इसके साथ क्रॉस हुआ, यहाँ इसको लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको टी टी आर आर, एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल, एक टी इसमें भी कैपिटल और एक टी स्मॉल आर आर, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब इन दोनों को जो हम कराएंगे, ठीक है, इन दोनों को जो हम कराएंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस तरह से कार्य करता है। फिलहाल आप इसको लिख लिए होंगे और हम जो इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए और इसके बाद हम आपको इस पर बता देंगे कि कैसे जो है कि इसमें कितना पौधा उजला होगा, कौन सा पौधा लाल होगा और कौन सा पौधा लंबा होगा, कौन सा पौधा का फूल जो है उजला होगा और कौन सा पौधे का फूल लाल होगा और कौन सा पौधा लंबा होगा और कौन सा पौधा नाटा होगा बोना होगा, ये सब पौधा बनेगा इस पर, ठीक है। इसको फिलहाल आप लिखिए, इसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए किस तरह से ये जीन जो है अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। एक में हम यहाँ टी आर लिखते हैं, टी आर, और फिर इसके बाद जो है एक में फिर हम स्मॉल टी और कैपिटल टी आर लेते हैं, फिर स्मॉल टी और कैपिटल आर और फिर स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसको फिर हम क्या करते हैं, इस जिस जो जो चीज़ यहाँ लिखी है इसी चीज़ को फिर इधर भी लिखते जाना है, टी आर टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। अब इसका क्रिया करिए, टी को टी से गुना करिए, गुने इतना गुना समझिए ना, टी गुना टी 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 आर आर, ठीक है। फिर इस टी को इस टी से करेंगे, टी टी आर आर स्मॉल आर, इस टी को इस टी से टी टी आर आर, फिर इस टी को इस टी से टी टी आर आर, ठीक है। अब फिर इसमें देखिए, इस कोठा में देखिए आपको अब समझ में आ रहा होगा टी टी आर आर, टी टी आर आर किसका है, तो टेल प्लांट रेड फ्लावर है ना, तो टेल रेड आ गया और इसका देखिए डबल टी है तो टेल तो हो करेगा और एगो आर जो है ये प्रभाविता का नियम से क्या कर दिया, इसको प्रभावित कर दिया, इस आर के प्रभाव दबा दिया तो यहाँ पर रेड फ्लावर हो जाएगा, टेल रेड हो गया।
इसमें देखिए ये भी हो जाएगा आपको टेल रेड, ये भी आपका है ना टेल रेड हो गया, है ना टेल रेड। कैसे टेल रेड हो गया? क्योंकि कैपिटल टी इस टी के प्रभाव को दबा दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को दबा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसको करिए टी टी आर आर, ये भी टेल रेड हो गया। इसको करिए टी टी आर आर, हाँ आया टेल बट वाइट, ठीक है टेल बट वाइट आ गया। हाँ लंबा होगा लेकिन इसका फूल क्या होगा उजला हो जाएगा। अब इसके बाद टी को इस टी से टी टी आर आर, तो ये टेल रेड हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके प्रभाव दबा देगा और ये आर इस आर के प्रभाव को दबा देगा, टेल रेड। फिर टी टी आर आर टेल वाइट, ठीक है टेल वाइट। अगला हम फिर चलिए, तो टी टी आर आर यानी वही टेल रेड। फिर ये देखिए टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी, है ना, तो टी टी आर आर ये हो गया आपको, ये भी टेल रेड क्योंकि इसको प्रभाव दबा देगा। यहाँ टी टी आर आर, तो स्मॉल यानी ड्वार्फ और इसका फूल का रंग रेड, बौना और रेड, यहाँ देखिए। और इसके बाद यहाँ टी टी आर आर, हाँ बौना और रेड, ठीक है। अब चलते हैं अगला, फिर करते हैं टी को टी से करेंगे, तो टी टी आर आर, हाँ टेल रेड। टेल रेड क्यों बाबू? क्योंकि ये टी इस टी के प्रभाव को दबा देगा, ये आर इस आर के प्रभाव को दबा दिया, टेल रेड हो गया। फिर इसमें चलिए टी टी आर आर टेल वाइट, है ना लंबा लेकिन उजला फूल, ठीक। इसमें देखिए टी टी आर आर ड्वार्फ बट वाइट फूल, सॉरी रेड फूल, ठीक। इसमें टी टी आर आर, है ना ड्वार्फ और वाइट, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना प्लांट आपका बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 प्लांट आपका बना, ठीक है। टोटल कितना प्लांट बना? 16, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। 16 प्लांट में आपको हम देखेंगे टी, है ना यानी टेल रेड वाला कितना है, ठीक है टेल रेड वाला, टेल रेड वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आया टेल रेड, ठीक है टी रेड वाला। टेल और वाइट वाला कितना आया, लंबा और उजला फूल वाला कितना आया, 1, 2, 3, 3, हाँ लंबा और उजला वाला आया 3। इसके बाद ड्वार्फ और रेड वाला कितना आया, तो ड्वार्फ और रेड वाला देखते हैं कितना आया, ड्वार्फ रेड, एक यहाँ 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3। और ड्वार्फ वाइट कितना आया, ड्वार्फ वाइट देखते हैं, ड्वार्फ वाइट में हम देखते हैं कि ड्वार्फ वाइट एक आया, 9, 3, 3, 3, 1, है ना कितना कितना आया, 9, 3, 3, 1। तो देख लीजिए आप इसमें क्या हुआ कि उजला वाला जो है वो उजला फूल वाला वो भी अपना जीन का प्रभाव दिखाया, लंबा वाला वो भी गुण दिखाया, और बौना वाला वो भी दिखाया, और लाल वाला वो भी दिखाया। इसी नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, या फिर स्वतंत्र विन्यास का नियम कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।